हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है वैष्णवी ब्लिस फूड में। आज मैं बनाने वाली हूँ चाउमीन वेज रोल। तो हम पहले नूडल्स को खोलते हुए पानी में डाल देंगे और इन्हें दबा देंगे हल्के हाथों से और थोड़ा हल्का तोड़ देंगे और एक चमची लेंगे, इसको मिला देंगे और खोल दो तीन मिनट तक पकाएंगे इसको हाई फ्लेम पे। ये देखिए नूडल्स पक चुके हैं। इन्हें हम ठंडे पानी से, अब गैस को हम बंद कर देंगे और नूडल्स को ठंडे पानी में निकाल लेंगे। हम ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे ताकि गिने आ जाए। अब इन्हें साइड देखिए, नूडल्स को मैंने ठंडे पानी से निकाल लिए थे। यहाँ मैंने हरी मिर्ची ली है, प्याज, टमाटर, हरा धनिया। कढ़ाई में तेल डालेंगे, इसमें प्याज डालेंगे, फिर गर्म हो गया था इसको मिलाएंगे, एक दो मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें हम लंबी मिर्ची जो काटे थे हरी मिर्च वो डाल देंगे। हरी मिर्ची और डाल देंगे, तो अब हम डाल देंगे नूडल। यहाँ पे मैंने सोया सॉस, ग्रीन सॉस, विनेगर एंड रेड चिली सॉस ली है। इनको एक कटोरी में हम एक एक चमची के हिसाब से निकाल लेंगे और सिरका डाल के सिरका डाल के चमची से हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें नूडल्स में डाल देंगे, ये इसको भी हम अच्छे से मिलाएंगे। तो ये इसमें मैं धनिया लिया, चाउमीन मसाला, मिर्ची पाउडर, नमक, इन सबको डाल देंगे एक साथ और इन सबको हम मिलाएंगे। गैस को मंदा रखेंगे। ये मैंने सारा मसाला अच्छे से मिला लिया है। अब डाल देंगे हम धनिया और गैस को कर देंगे बंद। अभी हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब तक ये ठंडा हो रहे हैं तब तक हम रोल के लिए आटा तैयार करते हैं। तो हमने पहले से मैदा छान के रखा था, इसमें नमक डाल दिया। नमक को हम अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा लगा लेंगे जैसे। तो ये देखिए मैंने आटा लगा लिया है। तो एक कटोरी में हम थोड़ा सा मैदा लेंगे सूखा, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे और उंगलियों से मतलब मिला लेंगे राउंड चिपकाने के लिए। तो अब हम बनाते हैं रोल। तो मैं एक लोई लेंगे और इसको गोल शेप में बना लेंगे। इस पर थोड़ा सूखा मैदा डालेंगे और एकदम पतला बेलना है, हल्के हल्के हाथों से, पतला रोटी से भी पतला, जितना ही पतला होगा उतना खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगेगा। तो देखिए मैंने बहुत पतला बेला है और अब हम इसको एक दो चमचे के करीब नूडल्स डालेंगे और हम ये मैदे का पानी लगाएंगे साइड साइड से और इसे आराम से हल्के हाथ से पकड़ेंगे और इस तरीके से चिपकाएंगे और आराम आराम से इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, सेम इस तरीके से और साइड के किनारे में भी हम अच्छे से घी मिथू का पानी लगा देंगे और सेट कर देंगे। और अब हम इसको ये बनकर तैयार है। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो ये देखिए बन चुके हैं। तो अब हम
फ्राई करते हैं इन्हें। तो तेल गरम हो चुका था, जैसा समोसे के लिए चाहिए पड़ता नॉर्मल गरम, बस उसी तरीके से डाल देंगे। और धीमी गैस को मंदा रखेंगे शुरू में, बाद में तेज कर लेंगे। पलट पलट करेंगे, सुनहरा होने तक हम इन्हें पकाएंगे मध्य आंच पे। ये देखिए पक के तैयार हो चुके हैं, अब हम बस 2 मिनट तक और पकाएंगे ये थोड़ा डार्क कलर हो जाए, और अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। और ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की